वाइकिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। जब एपिसोड की शुरुआत होती है तब हमें पता चलता है कि 4 साल बीत चुके हैं। रैग्नार और एशलोक को 2 बेटे भी हैं जिनका नाम है ऊबा और हेवेटस्टिक। इस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा है, सारे लोग दरबार में इकट्ठा हुए हैं। तभी वहां पर फ्लोकी आता है हेल्गा के साथ। हम एथलस्टन को भी देखते हैं, वो भी वाइकिंग्स के रीति रिवाज को अपना चुका है। एथलस्टन फ्लोकी से कहता है कि वो अब पादरी नहीं रहा। फ्लोकी पूछता है तुम्हारे बादशाह रैग्नार कहाँ है। इसके बाद ही हमें रैग्नार से मिलाया जाता है। रैग्नार फ्लोकी से गले मिलता है और पूछता है कि तुम इतने सालों से कहाँ गायब हो गए थे। फ्लोकी कहता है कि वो इतने कड़ाके की ठंड में भी उसके लिए नाव बना रहा था। फ्लोकी रैग्नार से पूछता है कि क्या हुआ, इतने सालों तक तुम पश्चिम की ओर क्यों नहीं गए। सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अब राजा हेरल्सन के जैसे बन चुके हो, क्या अब हम पश्चिम की ओर नहीं जाएंगे। रैग्नार सारे सवालों के जवाब में कहता है कि हाँ, हम कई सालों तक पश्चिम नहीं गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम कभी नहीं जाएंगे। कुछ सालों पहले हुई महामारी में हमने हमारे बहुत सारे सैनिक खो दिए और शहर के बहुत सारे लोग मारे गए, तो ये जरूरी था कि पहले सारे लोग अच्छे तरीके से स्वस्थ हो जाए, उसके बाद हम सब मिलकर इस गर्मियों में पश्चिम की ओर जाएंगे। और इस बार हमारे साथ राजा बॉर्ग और राजा हॉरिक भी चलेंगे। इसके साथ ही इस बार हम इंग्लैंड में काफी दिन बिताएंगे और वहाँ कई और जगह घूमेंगे। इस दरबार में सिगी भी होती है, वो सारी बातें सुनती है और रोलो के पास जाती है। रोलो नशे में धुत जमीन पर लेटा हुआ होता है। सिगी उसे जगाने की कोशिश करती है पर रोलो नहीं उठता। फिर वो रोलो के मुंह पर एक बाल्टी ठंडा पानी फेंकती है जिससे उसका नशा खुलता है। शायद सिगी यहाँ पर रोलो को रैग्नार के आगे आने वाले प्लान के बारे में बताना चाह रही हो। इसके साथ ही हम पहुंचते हैं वापस दरबार में, जहां पर रैग्नार अपने एक मेट के साथ बातचीत कर रहा है। वो उस लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ से हो, क्या तुम यहाँ पर पहली बार आई हो, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखा है। वो मेट बताती है कि उसका नाम हिल्ट है और वो उपसाला से है। इन दोनों की बातचीत रैग्नार की वाइफ एशलॉक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बाद में वो रैग्नार से कहती है कि आपको कम से कम मेरी इज्जत की कुछ तो परवाह करनी चाहिए, आप उस नौकरानी से बात कर रहे थे। रैग्नार उसे समझाता है कि जैसा एशलॉक सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। एशलॉक बताती है कि क्योंकि उसके माता पिता दोनों काफी मशहूर और महान योद्धा रहे हैं, उसके अंदर जन्म से ही एक पावर है, वो कुछ हद तक चीजों का सही प्रिडिक्शन कर लेती है। वो रैग्नार से कहती है कि इस बार हमारा जो बेटा होगा वो अपनी आंख में सांप की झलक लेकर पैदा होगा। अगले ही सीन में हम पहुंचते हैं मांत्रिक के पास, जहां पर रैग्नार पहुंच चुका है। मांत्रिक उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या जानने आए हो। रैग्नार बताता है कि अपने वादे के मुताबिक देवताओं ने मुझे मेरे बेटे तो दे दिए, पर मैं अब उनका फ्यूचर जानना चाहता हूँ, उनका आने वाला कल कैसा होगा। मांत्रिक बताते हैं कि उसके बेटे रैग्नार से भी ज्यादा मशहूर होंगे। उसका एक बेटा समंदर की दूर यात्रा पर जाएगा और दूसरा बादशाह की बेटी से शादी करेगा। फिर रैग्नार पूछता है कि और बियॉन का क्या, क्या मैं उससे कभी मिल पाऊंगा। मांत्रिक कहते हैं कि वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। वो उस वक्त कुछ भी बताने से इनकार करते हैं। दूसरी तरफ सिगी और रोलो को दिखाया जाता है। पिछले एपिसोड में ही हमने देखा है कि रोलो को अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, उसने इतने सालों में खुद को पूरी तरह से नशे में डुबो दिया था। सिगी उसे यहाँ यही समझाने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना मेरे बेटे, ना मेरा पति और ना ही मेरी बेटी, सब मुझे छोड़कर चले गए हैं और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। फिर वो आगे कहती है कि तुम्हारे भाई बादशाह रैग्नार ने सबके सामने इंग्लैंड जाने का फैसला सुनाया है, बादशाह हॉरिक और बादशाह बॉर्ग के साथ, तुम्हें भी उनके साथ जाना होगा। रोलो कहता है मैं इस हालत में कहीं नहीं जा सकता, मैं तो लड़ भी नहीं पाऊंगा। सिगी कहती है तुम सब कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। फिर सिगी आगे रोलो से कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम जाकर अपने भाई से बात करो या फिर एक खंजर लेकर खुद की जान ले लो ताकि तुम्हें नर्म नसीब हो। इसके बाद सिगी रोलो को लेकर रैग्नार से मिलने जाती है। रैग्नार अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है। जैसे ही रैग्नार रोलो को देखता है सबको वहां से जाने के लिए कहता है। जब सारे लोग वहां से चले जाते हैं रैग्नार रोलो को बैठने को कहता है और पूछता है कि कहाँ थे तुम इतने दिनों से। रोलो कहता है मैं शर्मिंदा था, खुद को मैंने नशे में डुबो दिया था ताकि मैं सब कुछ भुला सकूं। रैग्नार पूछता है तो तुम अब यहाँ पर क्या करने आए हो। रोलो कहता है मुझे माफ कर दो और मेरा इस बार भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। रैग्नार कहता है तुमने अपने भाई के खिलाफ बगावत की, तुमने हमारे दोस्त अर्नी को भी मार डाला, फिर बाद में तुम रुक क्यों गए, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। अगर तुमने मुझे उस दिन मार दिया होता तो आज तुम राजा होते। रोलो कहता है मैं तुम पर कभी हथियार नहीं उठा सकता, तुम मेरे भाई हो, बचपन से ही हमारे बीच कितनी लड़ाई हुई है,
दो भाइयों के बीच की लड़ाई को बगावत नहीं कहा जाता। मैं हमेशा से तुम्हारे साइड ही था। मैं बस तुमसे अलग होकर कुछ करना चाहता था। मुझे बस एक मौका दे दो। रैगनर कहता है, इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा कर पाऊंगा? तुमने काफी कुछ झेला है, पर तुमसे भी बदतर कईयों का हाल है इस वक्त, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। रैगनर आगे कहता है कि मुझे सोचने का वक्त चाहिए, फिर मैं तुम्हें अपना फैसला बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ रैगनर अपने साथियों को जंग के लिए तैयार कर रहा है। सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। रैगनर एथलस्टन के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। एथलस्टन अब हथियार चलाने में काफी अच्छा हो चुका है। रैगनर उसकी तारीफ करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी इंग्लैंड की याद आती है? एथलस्टन कहता है, हाँ कभी कभी। वो फिर आगे पूछता है कि क्या तुम इस बार इंग्लैंड चलना चाहोगे? इस बार हमें सभी देवताओं की मदद चाहिए होगी, तुम्हारे देवता की भी। एथलस्टन अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो भी इंग्लैंड जाना चाहता है। इसके बाद इनकी प्रैक्टिस आगे बढ़ती है और इनकी बातचीत भी आगे बढ़ती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब रैगनार एथलस्टन के गले पर तलवार रखता है, जिससे एथलस्टन काफी ज्यादा डर जाता है। रैगनार कहता है, हथियार चलाना अलग बात होती है और किसी की जान लेने के लिए काफी हिम्मत चाहिए होती है। कभी भी लड़ाई के दौरान किसी की जान लेने के लिए घबराओ मत, वरना सामने वाला इंसान तुम्हारी जान ले लेगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में राजा हॉरिक रैगनार से मिलने कैटिगेट आते हैं। रैगनार उन्हें उनके जहाज के बारे में पूछता है। हॉरिक कहते हैं कि वो बनकर तैयार हो चुके हैं। रैगनार आगे बताता है उन्हें कि यहाँ पर कोई और भी मौजूद है जिसे वो भूले नहीं होंगे। जब हॉरिक अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि बॉर्ग बैठा हुआ है। बॉर्ग कहता है कि राजा हॉरिक, आप मुझे देखकर काफी ज्यादा खुश नहीं लग रहे। हॉरिक कहते हैं कि हमारी पिछली मुलाकात के बाद मैंने अपने बहुत सारे सैनिक खो दिए हैं और मैं अपनी ही जमीन के मुनाफे का एक तिहाई हिस्सा तुम्हें हर साल दे रहा हूँ। बॉर्ग कहता है, वो अलग बात है, पर हमारी आखिरी मुलाकात में ये तय हुआ था कि हम तीनों मिलकर इंग्लैंड की ओर जाएंगे। इनकी बातचीत के बीच में ही वहां पर रोलो एंटर करता है। हॉरिक रैगनार से कहते हैं कि ये तो वही रोलो है, तुम्हारा भाई, जो हमारे खिलाफ लड़ा था। फिर वो रैगनार से कहते हैं कि तुमने इसे अब तक जिंदा क्यों छोड़ दिया है? रैगनार कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, देवताओं ने इसे जिंदा रखा है। रोलो रैगनार से पूछता है कि तुमने क्या सोचा? रैगनार कहता है कि ये सच है कि तुम मेरे भाई हो और इसे कोई बदल नहीं सकता। मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुम हमारे साथ इस बार इंग्लैंड नहीं चलोगे। रोलो कहता है उसे मंजूर है और वो वहां से चला जाता है। उसी शाम ये लोग जश्न मना रहे होते हैं। राजा हॉरिक प्रिंसेस एसलॉक से उनके माता पिता के बारे में बात कर रहा है। वहीं रैगनार राजा हॉरिक के बेटे यारी से बात कर रहा है। वो उससे पूछते हैं कि तुम कितने साल के हो? यारी कहता है कि वो 17 का है। रैगनार कहता है, तो फिर ये तुम्हारी पहली लूट होगी। यारी कहता है कि हाँ, जंग में मैं कुछ साबित करना चाहता हूँ ताकि मेरे पिताजी को मुझ पर नाज हो। रैगनार कहता है, मेरा भी एक बेटा है, शायद अब वो तुम्हारे जितना बड़ा हो गया होगा। पता नहीं वो कहाँ होगा, उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, बस मुझे छोड़कर चला गया। रैगनार का ध्यान ब्योन से टूटता है जब राजा हॉरिक रैगनार से कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि बॉर्ग हमारे साथ चले। रैगनार कहता है, पर डिसाइड तो यही हुआ था ना कई सालों पहले कि हम तीनों साथ में इंग्लैंड की ओर चलेंगे। फिर हॉरिक समझाते हैं कि तुम अपने भाई रोलो को अपने साथ क्यों लेकर नहीं जाना चाहते, क्योंकि तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है ना। बस यही वजह है कि मैं बॉर्ग पर भरोसा नहीं करता और मैं उसे अपने साथ इंग्लैंड लेकर नहीं जाना चाहता। तुम जल्द से जल्द जाकर ये बात उस तक पहुंचा दो। अगले ही सीन में रैगनार बॉर्ग के पास जाकर कहता है कि इस बार हमने आपसे मदद ना लेने का फैसला लिया है। बॉर्ग कहता है, पर तुमने वादा किया था। रैगनार कहता है, मैं जानता हूँ और मैं आपसे वादा तोड़ना भी नहीं चाहता। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। अभी हालात कुछ ऐसी है कि आप हमारे साथ नहीं चल सकते। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि सिगी राजा हॉरिक से बात कर रही है। वो उन्हें रैगनार की कमजोरियों के बारे में बता रही है। हॉरिक कहते हैं, मुझे रैगना की कमजोरियों से कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरा दोस्त है। सिकी कहती है, दोस्तों की कमजोरियां हमें और भी ज्यादा मजबूत बनाती है, क्या पता आपको कब उसकी जरूरत पड़ जाए। हॉरिक कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है कहो, तुम मुझे क्या कहना चाहती हो? सिकी उन्हें रैगनार की कमजोरियां बताती है कि रैगनार की सिर्फ एक ही कमजोरी है, वो है उसका परिवार और उसके बेटे। इसके साथ ही हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि राजा बॉर्ग रोलो से मिलने जाते हैं। वो उसके साथ है और रोलो को समझा रहे होते हैं कि तुम्हारे भाई ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया है। अगर उस दिन तुमने खुद पर काबू रखा होता तो आज हम यहाँ राज कर रहे होते। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम चाहो तो अपने भाई का साथ छोड़ सकते हो और मेरे पास वापस आ सकते हो। यहाँ किसी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। रोलो इतना सुनकर उसे एक मुक्का मारता है और कहता है, मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बॉर्ग रोलो से कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब आ चुका है एपिसोड का आखिरी सीन।
और वो वक्त भी आ चुका है जब ये लोग इंग्लैंड की ओर निकल रहे हैं। रोलो इन सब जहाजों को जाता हुआ देख रहा है, ये लोग आधी दूरी तय कर चुके हैं। आधी दूरी तय करने के साथ ही इनको समंदर में काफी तेज तूफान मिलता है। तूफान की वजह से इनकी नाव की पाल फटने लगती है। तूफान इतनी तेज है कि इनको अपनी जहाजों को दूसरी ओर मोड़ना पड़ता है। कुछ ही दिनों में तूफान शांत हो जाती है, पर ये लोग अब रास्ते से भटक गए हैं। इनका साथी जहाज भी अलग-अलग हो चुका है। इनके पास अब कोई चारा भी नहीं है, ये लोग फिर भी आगे का सफर तय करते हैं और कुछ ही दिनों में एक नई जगह पर पहुंचते हैं। ये कौन सी जगह है किसी को कुछ भी नहीं पता। ये लोग जहाज किनारे पर लगाकर उस धरती पर कदम रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन सबको सिर्फ जंगल नजर आता है। कुछ दूर तक का सफर तय करने के बाद ये लोग आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर उन पर हमला किया जाता है। वाइकिंग्स और उन सैनिकों के बीच लड़ाई होती है और हमेशा की तरह वाइकिंग्स जीत जाते हैं और सारे सैनिक मारे जाते हैं। इसके साथ ही इस लड़ाई में एथस्टन काफी अच्छे से लड़ता है और बहुत सारे लोगों को मारता है। रैग्नर एथस्टन से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद वो अपना कड़ा उतारता है और कहता है कि तुम चाहो तो इसे रख सकते हो। एथेलस्टन उस कड़ी को लेकर पहन लेता है। इस लड़ाई में राजा हॉरिक का एक बेटा भी मारा जाता है। उन सैनिकों में से दो ऐसे सैनिक भी होते हैं जिसे ये लोग बंदी बना लेते हैं। इसके बाद रैग्नार और एथेलस्टन उन सैनिकों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ ये कौन सी जगह है, क्या ये नॉर्थम्बिया है और तुम लोग राजा एला के लोग हो। वो सैनिक जवाब में कहते हैं कि नहीं, ये वेसेक्स है। वेसेक्स इंग्लैंड का ही एक पार्ट है जो नॉर्थम्बिया से काफी ज्यादा दूर है। एथस्टन ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि हम नॉर्थम्बिया से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, ये किंगडम वेसेक्स है और ये लोग सम्राट एगबर्ट के लोग हैं। रैग्नार उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। एथस्टन उसे बताता है कि सम्राट एगबर्ट वाइकिंग्स की तरह ही अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सम्राट एगबर्ट को इन लुटेरों के आने की खबर मिल चुकी है। इसके साथ ही खत्म हो जाता है ये एपिसोड। आगे की एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।